की खबर। गुजरात के वलसाड में समुद्र के रास्ते 8 आतंकवादियों के घुसने की खबर है। आईबी ने गुजरात पुलिस को इस बारे में अलर्ट किया है। अहमदाबाद से नरेंद्र कपूर हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। नरेंद्र, क्या ये रिपोर्ट साझा की गई है गुजरात पुलिस से और क्या इस बारे में जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, गुजरात पुलिस के साथ ये रिपोर्ट आईबी द्वारा शेयर की गई है और इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है, बड़ा स्पेसिफिक इनपुट है, जिसमें ये कहा गया है कि 13 आतंकी हैं जो समुद्र के रास्ते से आज तड़के या कल देर रात वलसाड में घुसे होने की संभावना है समुद्री रास्ते से, और वलसाड को वो क्रॉस कर सकते हैं आज। इस अलर्ट के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और वलसाड एसपी ने जो जिले के तमाम अधिकारी हैं और रेंज आईजी, इन सबकी एक मीटिंग अभी भी वलसाड में चल रही है और इसके अलावा सभी जो बॉर्डर्स हैं वलसाड के उसको सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है और काफी चुस्त कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था को, ताकि जी काफी सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर कड़ा कर दिया गया है। आईपी की रिपोर्ट है और शेयर की गई है गुजरात पुलिस से, उसके बाद ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है समुद्र के रास्ते 13 आतंकियों के घुसने की खबर है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और उसे गुजरात पुलिस के साथ शेयर भी किया गया है। आतंकियों के गुजरात में घुसने की समुद्र के रास्ते, ऐसी फिलहाल कई पुष्ट खबरें आ रही हैं जिसे गुजरात पुलिस के साथ शेयर किया गया, अलर्ट किया गया है। और इस वक्त जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि गुजरात पुलिस ने भी जो चौकसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है।